हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम रे ऑप्टिक्स की फर्स्ट वर्कशीट डिस्कस करेंगे। दीज आर अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर वन सेज, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट्स वेवलेंथ चेंजेस बट इट्स फ्रिक्वेंसी रिमेन्स सेम, वाई? जब एक मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट है, लेट सपोज किसी सिंगल कलर की है, मैंने येलो कलर की लाइट ली है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, उसकी वेवलेंथ तो चेंज होती है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, ऐसा क्यों? हमने ईएम वेव में पढ़ा था कि विजिबल लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो प्रोड्यूस कैसे होती है, जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, ऑसिलेट करता है, जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव प्रोड्यूस होती है, और मीडियम चेंज होने पर ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकती बिकॉज इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स ऑफ वेव, बट वेवलेंथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम। जिस मीडियम में वो ट्रेवल कर रही है वेवलेंथ उसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज हो जाते हैं बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, When the light travels from a rarer medium to a denser medium, the speed decreases. Does this imply a reduction in the energy carried by the wave? जब लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो क्या इसका मतलब उसकी एनर्जी भी कम हो गई है? The answer is no. Energy depends on the amplitude of wave. अगर ये हमारी एक वेव होती है, then this is the amplitude. तो एनर्जी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है ना कि वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, लेकिन मीडियम चेंज होता है तो वेवलेंथ चेंज होता है, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता। इट मींस देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी बट स्पीड डिक्रीजेस, हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है बट एनर्जी डज नॉट चेंज। क्वेश्चन थर्ड सेज, व्हेन द लाइट कम्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, रिफ्रैक्टेड रे इज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, वाई? इसका मतलब जब लाइट रे, लेट सपोज ये ग्लास स्लैब है, लाइट रे हमारी एयर से ग्लास के अंदर एंटर कर रही है, देन वो नॉर्मल की तरफ बेंट होती है, ऐसा क्यों? देखो इसका मतलब आई इज इक्वल टू आर, वाई इज दिस सो? नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेट मी रिप्रेजेंटेड विद एन ईटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। नाउ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है 3/2, इसका मतलब साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू 3/2, और आई कैन राइट साइन आर इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स साइन आई। तो साइन आई से साइन आर छोटा है, और हमें पता है कि जैसे से हमारा थीटा बढ़ता है साइन भी बढ़ता है, इसका मतलब आर इज लेस देन आई, so we have proved that the refracted ray bends towards the normal. Question number 4 says, for the same angle of incidence, the angle of refraction of two media A and B are 25 degrees and 35 degrees respectively. In which medium is the speed of light less? Question ke according hamare paas do media hain A aur B, dono mein vacuum se ray of light aa rahi hai. एक में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 25 डिग्री, और दूसरे में सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 35 डिग्री। हमें बताना है ए या बी में से कौन सा ऐसा मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है। लेट सपोज ए मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है वी ए और बी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है वी बी। देन ए मीडियम की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन ऑफ 25 डिग्री, विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। और इसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन 35 डिग्री, विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी। अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, लेट मी डिवाइड वन एंड टू। वन को टू से डिवाइड करूंगी, मुझे मिलेगा साइन आई अपॉन
साइन 25 डिवाइडेड बाय साइन आई अपॉन साइन 35, इसको मैं लिख सकती हूँ साइन 35 अपॉन साइन आई इज इक्वल टू वी बी अपॉन वी ए। अब यहाँ पे ये दिस गेट्स कैंसिल और हमें पता है साइन 35 मस्ट बी ग्रेटर देन साइन 25, क्योंकि हम 0 से 90 जब जाते हैं तो साइन की वैल्यू बढ़ती है। इसका मतलब वी बी मस्ट बी ग्रेटर देन वी ए, तभी हमारा लेफ्ट साइड पे ग्रेटर देन 1 नंबर आएगा। और आई कैन राइट वी ए इज लेस देन वी बी, इसका मतलब ए मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी तभी वहां पर ज्यादा बेंडिंग हो रही है, और बी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी तभी वहां पे बेंडिंग कम है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सेज व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस तरीके के क्वेश्चन में हमसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही बात की जाती है। वैक्यूम के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1, इससे कम नहीं हो सकता। और डायमंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा मैक्सिमम होता है, जिसकी वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डायमंड इज इक्वल टू 2.42। इससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल हमें हमारे पास अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर सिक्स सेज व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ वेव्स इन द टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली। हमारे पास दो मीडियम है जिनके, लेट अस सपोज फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है eta1 और सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है eta2। हमें बताना है कि वन मीडियम और टू मीडियम में जो वेलोसिटीज होंगी उनका क्या रेशियो होगा। लेट अस सपोज फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी है v1, सेकेंड मीडियम में वेलोसिटी है v2। ये जो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है दे आर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, देयरफॉर दे आर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो n1 को मैं लिख सकती हूँ, eta1 को लिख सकती हूँ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, एंड eta2 कैन बी रिटन एज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं और इन दोनों इक्वेशंस में अगर मुझे v1 अपॉन v2 निकालना है, मैं डिवाइड कर दूंगी, रेशियो निकालनी है मुझे, आई विल गेट eta2 अपॉन eta1। This is my answer. This is the ratio of speed of or velocities of waves in medium 1 and medium 2. Question 7 says, when a glass slab is placed on an ink dot, the ink dot appears to be raised. Why? अगर हम पेपर पे एक इंक का डॉट लगाते हैं और उसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रखते हैं, तो अगर हम उसको थोड़ा सा साइड से देखते हैं तो हमें दिखता है कि वो थोड़ा ऊपर है यहां पर। वाई इज दिस सो? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड हियर द एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्वेश्चन नंबर 8 सेज, बाय हाउ मच वुड एन इंक डॉट अपीयर्स टू बी रेस्ड व्हेन कवर्ड विद अ ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। आपको बताना है कि हमें कितना इंक डॉट रेज्ड दिखेगा जब हम उसको एक ग्लास स्लैब से कवर करेंगे जिसकी थिकनेस है 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है विच इज द रियल डेप्थ, एक्स इज इक्वल टू 6.0 सेंटीमीटर, and we are given refractive index of glass with respect to air which is equal to 1.5. now we have already derived this formula in the previous videos that apparent depth y is equal to real depth upon 1.5. it's refractive index of glass with respect to air, 1.5 is the refractive index of glass slab with respect to air. now isme value rakhenge 6.0 divided by 1.5, we will get 4.0 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमें अपीयर होगा कि जो इंक डॉट है ये कितने सेंटीमीटर डेप्थ पे है, 4 सेंटीमीटर डेप्थ पे है। तो ये हमें कितना रेज्ड दिख रहा है, दैट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस, यानी कि इट विल अपीयर टू बी 2 सेंटीमीटर रेज्ड। इंक डॉट विल अपीयर टू बी रेज्ड बाय
2 सेंटीमीटर, मतलब वो 2 सेंटीमीटर ऊपर है। आई होप दिस वर्कशीट इज क्लियर टू यू। दैट्स ऑल फॉर नाउ। हैव अ गुड डे।